Hi guys, this is Avinav Krishan, aka Dog Daddy over here on TUC right now. So, आज हम बात करेंगे ऐसे डॉग की जिसके नाम में ही मैन है. So, we are talking about Doberman, the Dobie, the tail dog in India or in US or Europe. So, आज हम बात करेंगे Doberman की जो कि 18th सेंचुरी में लुइस डोबरमैन एक टैक्स कलेक्टर जर्मनी में उसने क्रिएट की थी ताकि उसे आके कोई लूटे ना. ये एक ऐसी ब्रीड है जिसके लिए काफ़ी मिथ्स बने हुए हैं कि ये काटता है, एग्रेसिव है. हाँ, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत आने पे वो चीज़ें वो करता है. लेकिन डोबरमैन एक ऐसी ब्रीड है जो कि आप घर पे रख सकते हैं, बच्चों के साथ, हर एक के साथ खेल सकते हैं. एक बहुत फनी फैक्ट है डोबरमैन को क्रिएट करने में, ये बहुत सारी ब्रीड्स का मिक्स मैच है. इसके अंदर रॉटवेलर है, जर्मन शॉर्टहेड पॉइंटर है, जर्मन पिंशर है, ग्रेट डेन है, बॉमनेयर है, जर्मन शेपर्ड है, शॉर्ट हेड कैटल डॉग है. तो इट्स अ वेरी बिग मैनचेस्टर टेरियर है. ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप करके कैटल डॉग्स को टेरियर के साथ डोबरमैन क्रिएट किया गया है. आज की डेट में आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कई सारे डोबरमैन्स मिलते हैं. सो एक मिलता है आपको यूरोपियन डोबरमैन, एक मिलता है आपको लैटिन अमेरिकन डोबरमैन, एक मिलता है आपको अमेरिकन डोबरमैन. जबकि डोबरमैन का सिर्फ एक वैरायटी है जो डोबरमैन होता है, जिसके क्रॉप्ड ईयर्स होते हैं, टेल डॉग होती है, नहीं तो फॉलिंग ईयर्स होते हैं. ट्रेडिशनली क्रॉप्ड ईयर्स रखे जाते हैं ताकि अलर्ट लगे, अच्छा लगे लुक वाइज, दूसरा से कान कोई डॉग पकड़ ना पाए और थोड़ा डेंजरस अपीलिंग लगे. डोबरमैन इज अ वेरी गुड फैमिली डॉग जिसके हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं, जैसे कि ओवर ब्रीडिंग के कारण. फॉर एग्जांपल यूरोपियन डोबरमैन क्रिएट करने के चक्कर में उसका हार्ट डिजीज ज़्यादा होने लग गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 ईयर्स 7 ईयर्स उसकी लाइफ रहती है. जितना बल्की डॉग होगा उतना शॉर्ट लाइफ रहेगी उसकी. बेसिकली डोबरमैन का हमेशा से लॉन्ग मसल रहा है, स्लीक बॉडी रही है, हाउंड टाइप रहा है, क्योंकि ही ऑल्सो डिसेंडेड फ्रॉम ग्रेहाउंड, ब्लैक ग्रेहाउंड बेसिकली. सो इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप तब भी डोबरमैन को एज एन अटैकिंग डॉग देखते हैं. डोबरमैन इज ऑलवेज अ पिंशर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाउंड्स, टेरियर एंड शेपर्ड डॉग्स. इन तीन चीज़ को मिक्स करके जब पिंशर आता है, जिसकी पिंचिंग बाइट होती है, जिसकी कि बेसिकली आपका ऐसी बाइट फोर्स होता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसका बाइट फोर्स जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा थोड़ा पावरफुल होता है, और इट्स मोर लाइक अ सीजर्स जॉ. सो और रॉटवेलर की जॉ की पावर भी इसमें होती है. सो इट इज़ मोर बल्कियर, मोर डेंजरस, और ये बाइट कर तो करते रहते हैं. इसको आप ठंडी जगहों पे रख नहीं सकते क्योंकि इसे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए कई जगहों पे आर्मीज और पुलिस इन डॉग्स को आप लेती नहीं है, तो इनको कवर करके लेती है, तो क्योंकि इनका शॉर्ट हेड होते हैं तो ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती. हिप्स में इनकी दिक्कत आ सकती है अगर इनको वर्कआउट नहीं कराते. इनके टोज जो होते हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं होते, हैवी फुटेड डॉग्स नहीं होते ये, ज़्यादा हैवी फुटेड नहीं होते क्योंकि रनिंग करते हैं ये, दे डोंट हैव अ फुट लाइक मैस्टिफ. तो आपको कोई अगर ब्रीडर आगे बोलते हैं कि आपको हैवी फुटेड, हैवी बोन डॉग मिल रहा है डोबरमैन, तो पहले ही उससे दूर हो जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल डोबरमैन इज अ एथलेटिक डॉग, उसका अपीयरेंस जो पपी का होगा इट वॉज मोर लाइक अ हाउंड रनर की तरह. आप ये मत सोचिए कि आपको डॉग मिल रहा है जो कि बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, ये चीज़ें मत देखिए. डॉग है नहीं है, डोबरमैन शुड बी अ कंप्लीट एस्थेटिक डॉग. इसका नेक थोड़ा लॉन्ग होगा, मजल लॉन्ग होगा, बॉडी स्लीक होगी, पैर, हाइंड लेग सब बराबर होंगे. प्रॉपर डोबरमैन को आपने देखे हुए अरसा हो गया, क्योंकि अब लोगों ने ब्रीडिंग ऐसी करनी स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर पग टाइप रॉटवेलर्स आ गए हैं, लैब्राडोर्स को मैसिव के साथ क्रॉस करा कर रखे, रिंकल्ड करने लग गए हैं, हैवी बोन कर रॉटवेलर्स के साथ ब्लैक लैब्राडोर्स को क्रॉस करा रहे हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो साइज में. तो ये चीज़ें डोबरमैन के साथ भी हो रही है. सो ट्राई टू गेट एन ओल्ड स्कूल डोबरमैन, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर फैमिली. डोबरमैन को एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. अगर आप फार्म पे रहते हैं तो इट विल बी बेस्ट डॉग फॉर यू. घर के अंदर रहते हैं तब भी बहुत अच्छा डॉग है, इट्स अ कम्प्लीट फैमिली डॉग. सो नेक्स्ट टाइम यू परचेज अ डोबरमैन, ऑलवेज सी उसके पेरेंट्स कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, एंड मेक श्योर यू आर कीपिंग द डोबरमैन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. सो दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण साइनिंग आउट. बाय.